अंकल जी, मोटका की शादी की तैयारी कैसी चल रही है? और मोटका कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है? मोटका तुम्हारा दोस्त ही तो है, घर में होगा। क्यों, तुमको शादी में नहीं पूछा है का? पूछना तो छोड़िए, सीधा मुंह बोल नहीं रहा। शादी से पहले ही बदल गया, तो शादी के बाद क्या करेगा, आप ही सोचिए। अरे तुम दोनों आपस में समझो, हमको बीच में मत डालो। क्या हुआ क्या नहीं? ये मोटका, केवल घर में ही रहोगे या बाहर निकलोगे? तुम तो साफा भूल गए हो। आ रहे हैं, तुम तो मेरा दिमाग खा गए हो चिल्ला चिल्ला कर। बोलो क्या बात है, रात दिन मेहरारू से ही बात करोगे? तुम तो साफा दोस्त को भूल ही गए हो। अरे पगला, तुम लोगों को कभी नहीं भूल सकते हैं, तुम लोग जिगरी यार हो। अभी शादी नहीं हुआ तो भूल गए हो, शादी होने के बाद क्या होगा भगवान ही जानते हैं। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। हाँ हाँ करो, भौजी आएगी तो ज्यादा मेहनत नहीं करेगी, मैं हर मऊगा। बाबू चुपचाप घर चले जाओ, बहुत मजाक कर लिया। मोटका इधर आओ, दुकान से 5 पैकेट रसगुल्ला खरीद कर लाओ। जी पापा, अभी लेकर आता हूँ, पैसा मोबाइल पर भेज दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से लेकर आना। जीजा जी, कहाँ घूम रहे हैं? आज तो मजा आएगा रात को। चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बता दो। मैं पागल दिख रही हूँ क्या जो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बता दूंगी? अच्छा ठीक है, एक नंबर पे कॉल लगाइए तो। आज कमर में नंबर दीजिएगा, उसी में लगाएंगे। तुम एकदम पागल हो गई हो, यहाँ से भागने में ही भलाई है। जीजा जी आइए ना, कहाँ जा रहे हैं? जीजा जी भी एकदम पागल हैं।